किसे की ना मन रहो जाट हो है जहर जो जाट की ना मन रहा हो है जाटनी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और उठ लिए थे कई देर ओली, हनी स्कूल में भी गया, अभी से एक ड्यूटी बजा लिया और पापा बेटी वे लौट रहे हैं, मैं उठ ली थी। और अब करेंगे किचन का काम। किचन में पहला था मैं बनाऊंगी चाय बना। किचन वैसे बिल्कुल साफ है गाइज, सारा रात में बताऊँ मैं अपना क्लीन करके सोई थी, इसमें मैंने पानी पिया था एक थोड़ी देर पहला, तो इसने साफ करूँगी और चाय रखूँ। और के बनेगा नु कहें आलू का कुछ मत बनाइए, मतलब आलू की सब्जी मत बनाइए, आलू की सब्जी नहीं खाएंगे। मैंने नु कह दी मैं आलू के परांठे बना दी, आलू के परांठे बना दे, मगर यो अभी आलू तो वह कह ना सब्जी मत बनाइए, परांठे पैसे बना दे। तो चलो मैं आलू बनने दे दूँ क्योंकि अभी सेक की रोटी जाऊँगी, तो इस मारे आलू बनने दर दूँ पहला, फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो इतना आलू बनेंगे इतना चाय बन जाएगी और फिर ठंडे हो जाएंगे, मैं आटा लगा कर रख दूंगी, फिर जल्दी जल्दी नू सब्जी वब्जी ना बनेगी तो जल्दी मन नहीं फ़ायदा है, मेरा ये काम जल्दी नहीं मिटेगा। तो चलो पहला मैं एक बार आलू रख दूँ। गाइस मैंने मलाई एक भगोने की तो काट दी है इसमें यारी, और दूसरे की ओर काट दी, फिर ना कौन कह था मेरे तक कि गाँ के दूध में तो के मलाई आती होगी, तो भाई मारा तो गाँ का ही है और गाँ के दूध माव है मलाई और बढ़िया आवे, कति टूट भी गई इस अच्छी डाला कति गर्म करें है ना हम 2-3 बार और फिर दर हैं जब बहुत बढ़िया मलाई आवे तो यो गाया खाए दूध, तो इसमें तो मलाई मैंने काट ली है दोनों भगोने रता दी दूध के। मैं किचन में आ गई, आटा मैंने लगा कर रख रखा था, चाय वाय के बर्तन भी साफ कर दिया, भगोने भगोने दूध दाद भी रता दिया मैंने सारा, और दही भी जमा दी। तो मैंने आलू उबाल लिए और इसमें है ये मसाले डाल लिए मैंने, हरी मिर्च डाली है, आपने ही साई लगता होगा क्योंकि हम लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब 1% भी नहीं। तो चलो इन मैं बनाऊँगी आलू के पराठे और दही बूंदी का रायता, कराई रायता ना तेन को आके मम्मी परांठे तो है ना, फिर दही की गल बढ़िया लग गए हैं तो इस मारे। तो चलो एक बार है ना अभी से का टिफिन तैयार कर दे जल्दी, तो आज मैं लेट हो रही हूँ। गाइस मेरे पराठे बन गए हैं, ये तो मैंने मतलब सेके हैं घी में, और मैं अपने घी ना लगा कर मैं सिर्फ रोटी की डाला ही सेकिया अपने ना, एक तो बन गया है और एक ही बनाना फिर, और ये चून बच गया था तो मैंने इसकी रोटी सेक दी। तो यो भी बस मेरा परांठा की रोटी खाया कुछ मैं परांठा ना बनाया क्योंकि, तो इन नहीं थोड़े से चपड़ लूँगी ये आलू की प्लेट की, तो मैंने इस समय धर लिया। उसने भी इसके ऊपर मुद्दा मार लूँगी, देखो ये के परांठा तो कम लग है, इतने स्वाद लग गए बहुत, ये भी सिद्ध भी कौन है तले उड़ने के नाम। तुम्हारा अभिषेक का भी भेज दिया है, अभिषेक का भी खाना चला गया है, सोमवीर जी ने ऋतिका ने भी खा लिया है, हनी के मैंने बना कर दर दिए हैं, अपने मैंने ले लिए हैं, दही और लूँगी, अचार देखूँगी क्या ही कर लूँगी, तो बाहर का अचार मैं खाना सकते, इस मारे हमने घर आए बना रखा है आम का अचार, तब वो ही लूँगी। गाइस हम उठ लिए, अपना तड़के का काम करे और चाय पानी भी पी लिया कई देर होगी, और मैं बाहर घूमी थी, बढ़िया मौसम हो रहा है, तो देखो कितने ही मैं छोटे छोटे से भी ऑरेंज आऊँगी इसमें, ये ऑरेंज से सारे सब कुछ इतने बढ़िया हो रहे हैं पेड़ पौधे। और मैं लेने जा रही थी जूस, लिया है तू तो बड्डी होगी फिर तो, ना तो इसने न्यू कहना पी ले और मैं असल में तो न्यू पी लिया, इसकी चीज आ रही है आज, इसने हनी दो रखे मंगाया दिखाऊँ गोल गप्पे, हाँ जी ना गोल गप्पे देख लिए ठीक, नु कह मेरे थे गोल गप्पे लियाओ काड़ी भी ना आ जा। और घर का एक आधा सामान खत्म हो रहा था, बेसन खत्म हो रहा था, एक तो बेसन लेकर आया है और रवा भी खत्म हो रहा था, तो रवा भी लेकर आया है। और ये गोल गप्पे हैं, इनमें आलू उल्लू हैं, और इसमें है जलेबी खा लूगा, ये रीति खा ले कती गर्म है, जलेबी खा लूगा इस, तो जलेबी लेकर आया है
तो चलो गाइस एक बार गोलगप्पे खा ले हैं। आ जाओ गोलगप्पे खा लो गाइस आप भी एक बार। इन काट ले पानी ने भी और सामान ने भी चटनी वटनी सारी चीज ले खा रहे हैं। तो गाइस सब्जी भी बना ली थी गर्म होने लग रही है और सब न तो खा ली। सोमवीर जी रह रहे हैं रोटी और जो पहला के बर्तन थे चाय वाय के वे मैंने साफ कर दिए थे। अन्नी रह रहे हैं और वे रह रहे हैं तो रोटी भी बस बन गई। तो चलो मैं सेक दूँ और उन तई दे दूँ। Day 2 गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम। उठ लिए थे कई देर होली चाय पानी भी पी लिया है। सोमवीर जी दूध ले आए थे तो दूध भी गर्म रख दिया है और है ना दही जमानी रह रही है। तो जो पहला का दूध रहा है ना उसने एक बनवाया करके दही और जमाऊँ और मैंने या मैज मेरी रत्न में नहीं आ रही इतनी फूल भरी है। देखो जो पौधा लेकर आए थे ना उसकी कितनी बढ़िया राउंड राउंड सा बना दिया। देखो इसमें ना मैंने तार लगवा कर नहरी और राउंड राउंड सा बना दिया। मैंने बढ़िया लग गया न्यू डिज़ाइन इसका। वो दूसरे वाला है ना उसका भी न्यू करूँगी और इन बाहर दरवाऊँगी। किसी ने कमेंट में कही दिन न भीतर मत रखो बाहर रख लो। तो भाई मैं बाहर रखवाऊंगी न उस दिन तो बस वो मैंने वो रख दिया था तो गर्मी थी ना इस मारे तो बाहर रखवाऊंगी नो थी कि इसके पत्ते वरना है ना पीले पड़ जाएंगे। तो कोई ना बाहर रखवाऊंगी न बाहर सही रहेंगे ये मैंने कूलर चलन लग रहा है। बाहर का मौसम बढ़िया हो रहा है फूल वगैरह पौधे वगैरह सब बढ़िया मस्त थी। देखो बेल भी इतनी बढ़िया बदल लग रही है बहुत बढ़िया सारी। और यो भी इतना बढ़िया हो रहा है पौधे सारे। इसमें परिजात का भी है वो ऊपर ने दिखा है जो यो और वे ऊपर ले रह गए ना छटाई थी वे दो तीन पौधे ऊपर ने तो वे रह गए उनका नंबर है नहीं आया बेचारा का। और सारे पौधे की तो छटाई कर दी थी सबकी। और इसमें देखो वाइट वाले फूल इतने आ रहे हैं बढ़िया कति सारे में सारे पौधे कति बढ़िया। एक चीज और दिखाऊं नहीं बार बार के पौधे देखो ये तो देखा रखे हैं सारे हमने बोए आम तांब भी हो रही पुदीना हो रहा है और देखो कितने बढ़िया हो गए ये। उसकी भी गुठली गेर रखी है के है ये जामुन की और आम भी जितनी बोई थी ना उतनी सारे हो गए ये। और ये काम आऊंगे ये बहुत स्पेशल आदमी है उसने बताई थी कि अपने ये गुठली बो दो और ये उसमें काम आऊंगे न्योरत्या में कितने भी जान की जरूरत को ना। तो हाँ कत्ती एक नंबर की बात थी सच्ची में सारे में हो रहे हैं कितना जान की जरूरत को ना। तई उड़े तलिए और पूजा में जो काम आओगे आम के पत्ते वे घर आए हो जाएंगे। किसे की मतलब बात ना देखने कि कोई ले आओगा जब होगा। तो चलो गाइस मिलते हैं जो भी कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस किचन में आ गई थी दूध गर्म होने लिए हैं दोनों यो भी एक बार और करेंगे और बर्तन रह रहे हैं बस चाय के। कूड़ा गेर का ही हूँ तो यो भी दूंगी इसमें भी पन्नी वगैरह लगाऊंगी डोली वगैरह तो धो दी थी तो चाय चाय के बर्तन रह रहे हैं इन और साफ करेंगे। खाने में क्या बनेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो देखो खाने में क्या बना करके ना। और जो कल वाले ब्लॉग तो शुरू करा था अगर इसमें भी बोल दिया कि भाई न्यू ब्लॉग तो ये न्यू ना है कल वाले ब्लॉग तो कंटिन्यू था अगर। तो चलिए मिलते हैं मैं होगी हूँ रेडी हाँ और मारा एकदम बन गया सोमवीर जी का चल सीधा देखाऊंगी तो सीधा देन जाओ मैं हम चल जी ये भी रेडी मैं भी रेडी हेलो माँ के गाइस और दीदी और ना बाहर बना दिया जो बाहर वाला लिया था अड़ खाली खाली हो गया ना गाड़ी पे लड़ खड़ी होया करती दो ही बूढ़ा खड़ी कर दी एक बार खड़ी। चलो सारे काना उठ गए ये राधा रानी ये भी काना ये इनका खाना ये भी ये खट्टू श्याम जी ये काना
ये इनकी बांसुरी सारे की। हम आ गए हैं और खाना वाना भी खाया है, बहुत बढ़िया सब्जी रोटी बना रखी थी कती। तो चलो एक घर जावे हैं, लेट हो रहे हैं गणी। गाइस हम घर आ गए और दूध दरा था बाहर, तो दूध दरवा दिया फ्रिज में और थोड़ा थोड़ा सीच छात गल्ला दरा था और ये बर्तन। अरे आलू उल्लू काट रखे थे, इन्हें के बनाया है, इन्हें बनाए हैं नमकीन चावल, इन्हें बनाए हैं गाइस नमकीन चावल। हम तो खाए थे दीदी दो रही खाना और इन मामा ने, ये मामा तैयार नहीं थी, रीति का थी बनाया खाना इन्हें ये चावल। तो चलो रीति खाना ना खाई इसकी गाल कर देखो। कपड़े चेंज कर लिए थे हमने, गर्मी लागत थी और आ गए हैं किचन में, शाम हो गई है, चाय वाय भी पी ली थी हमने, रीति खाना बना दी थी और दूध गर्म करन लाग रही हूँ। पहला तो दूध जमाऊंगी, वो पहला का रह रहा था, आज आला फ्रिज में दर दिया ठंडा करके। चावल रह रहे हैं तो इन काटूंगी और दिखाऊँ अपने रसोई का हाल, देखो सारी बिखर रही है कती। मैंने उसमें तो बर्तन उठाए थे, करूंगी बर्तन साफ, ढेर सारे बर्तन हो रहे हैं। फ्रिज ने मैं तो मतलब निकाल निकाल कर न, और इतने सारे बर्तन हो जाए क्यों, एक दो दिन ही मैंने ना संभाले ना, मैं जा रही थी भाई हॉस्पिटल वगैरह में जाऊं थी तो इस मारे दो दिन ना संभाला ना, जब भाई इतने सारे बर्तन हो गए बुझो मत। क्या मैं क्या गाल करना, फ्रिज में धरते हैं बालक तो भाई से वहाँ सबके। तो चलो वो ले आई बार, वो अन्नी ने वो खाए थे चावल, वो लिया कांच का वो धरा होगा बाउल। तो गाइज रात भी होगी है, मैंने लाइट वाइट चला दी, अंधेरा हो रहा है कति, संगवाया कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं थक जाऊँ कति बेरा ना क्यों, पहला इतनी ना थकिया करती पर ही थकन लग गई बहुत। तो कोई ना फिर नु कह जा हाँ तू छोड़ दे काम, जो तेरे तो ना वो कर ले थोड़ा मोटा। तो इस मारे फिर मैं अपना कपड़ा का देखो, कपड़ा का भी लाग रही थी मैं साथ साथ में, कपड़े वगैरह लेकर गए हैं तो उनमें भी टाइम लग जा काफ़ी, तो वे भी ना संगवाए मैंने, वे भी छोड़ दी नुखे न, मैं बाद में करूँगी इसे छोटे मोटे काम, बाद में रीतिका करती है मेरे तैयार संगवा देगी। दूध गर्म दरगी जो करता है, ईब मैं बनाऊंगी चटनी, रोटी खानी है तो चटनियाँ बनाऊंगी क्योंकि अभी शेख ने भी सब्जी बढ़िया ना ला गया कर गणी, कहता रायता क्या चटनी, और मन ने भी क्योंकि खा कर कोई खुश को ना क्या इन्हें भी। तो चलो मैं फिलहाल ही चटनियाँ बनाऊंगी शाम न, तो सुबह इन बना लिए थे चावल, और चावल मन ने यार सोमवीर जी ने गणे अच्छे ना ला गया करे, इन तीनों आना मामा बेटिया ना इन बढ़िया ला गया करे, तो ये भी ये खाऊंगे अभी शेख की मेरी और सोमवीर जी का खाना बनाना, बस ये नहीं बोले कम ना तो ये खाऊंगे चावल है तो इन खाना बनाऊँ मैं। तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी रसोई ना पहला साफ कर दूँ क्योंकि मेरा भीतर जाऊँ ना तो मेरा जी सा दुखी हो देख देख के, मैं बर्तन नहीं छोड़ा करूँ सहज ऐसी पर क्या मैं दिक्कत हो जाए ना तय बेच सकते हैं ना, तो मैं जितने बर्तन हो ना साथ साथ में साफ करती रहा करूँ। तो चलो कोई ना एक आधी वह आगे पीछे भी होता रहा है काम। तो गाइज किचन कर दिया है क्लीन, आटा भी मैंने लगा कर रख दिया साथ साथ में, चटनी भी बना दी है, बर्तन भी सारे साफ कर दिए थे या परात मैंने भिगो कर रख दिया, थोड़ी देर में करूँगी देखो इतने सारे बर्तन धोए। और बेसन रह रहा था गालना तो मैंने सोची लिया इसने भी डाल दूँ साथ साथ में, ख़त्म हो रहा था डिब्बे में कती तो इसने भी फिल कर दूँ। तो गाइज मैंने यह चटनी बना दी है आलू की, टमाटर की, और इसमें पनीर भी डाला है, दूध दोनों दरवा दिए हैं और लस्सी भी बना दी है, और फ्रिज देख लो सारा साफ कर दिया है कती, इतने बर्तन हो रहे थे फ्रिज में, मेरा मुंह भी देख लो गैल कर इतने पसीने और कती लाल मुँह जा मारी मारा, इतनी गर्मी बनी रहा है कि बुझो मत इसमें रसोई में जुड़ो तो भट्ठी है कती, और कुछ यो टीना के मारे हो जाए थोड़ा सा गर्म, टीना पर हमने वो गेर भी रखा है, तो चलो फिर भी गर्मी कड़ गई रसोई में, बस ये रोटी रोटी बनानी रह गई है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। जी सोमवीर जी भी आ गए, ये बोल रहे हमसे भी मिलिए, हेलो जी, हेलो ताड़ा खोल आइए जी, ड्यूटी कर का है देख लो, कोई इतना मुस्कुराता है अगर है जी, कैमरा साफ इतना आप साफ साफ नहीं आ रहे, हाई भाई कोई इतना मुस्कुराता है अगर
तो चलो हाथ मुंह धो लो, इतना मैं रोटी राटी बनाऊंगी। हनी लाग रहा अपनी पढ़ाई पर जोरों शोरों से, दूध मनौड़ा जमा दिया है, हनी ठाक लिया है गाइस, पर जमा दिया था गर्म करके जो भी रह रहा था पहला का वो। तो इस मारियर यो पौधा है ना हनी, ये पौधे नोड़ दे रही है बेटा बार, ठीक है। और रितिका ने सारा काम करवाया है किचन का, थैंक यू बेटा। सारा लाकन हमारा बेटिया ने निपटा दिया, हरी अपना पढ़ाई का लाग रहा करन। तो गाइस हमने खाना खा लिया है सारे ने, अभिषेक रह रहा है, वो ही आया ना 10 बजे आओगे, तो उस तो देनी रहेगी, दूध दाद का मना कर दिया था। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट। Cause lately I've been thinking about your love.